मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से लहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylive.com दया दया तुम क्या कह रहे हो हां सर ये सच है ये क्या कर दिया प्रद्युमन क्या कर दिया ये देखो दया ये जो कुछ भी तुमने अभी कहा सच है ना कहीं हमने सुनने में कोई गलती तो नहीं कर दी नहीं मुझसे कोई गलती नहीं हुई सर मैंने एसीपी साहब को देखा एसीपी साहब ने गोली मारी है सर अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्यों हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों तेरी तो प्रद्युमन प्रद्युमन अरे प्रद्युमन 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 निकल गया निकल गया हाँ चित्रोले सर कहिए क्यों फोन किया आप कहाँ गए तुम अचानक चलो जल्दी आओ वापस I'm sorry सर मैं वापस नहीं आऊंगा मेरा बहुत जरूरी काम है जरूरी काम यहाँ पे है यहाँ पे आके जवाब दो और अगर ठीक ठीक जवाब नहीं दे तो I'm going to arrest you क्या काम गिरफ्तार करोगे मुझे यस गिरफ्तार तुम्हारे भागने से पता चल गया कि चोर के दाढ़ी में टिनका है अरे तिनका तो आप ढूंढते रहो चित्रोले साहब मगर जब तक मैं दया के मुंह से नहीं सुनूंगा कि उसने ऐसा क्यों कहा तब तक मैं नहीं लौटूंगा आपको जो करना है कर लो गुड बाय चित्रोले साहब गुड बाय एसीपी कहीं दूर निकल गए बहुत दूर चला गया प्रद्युमन या खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो हे यू निखिल यू कम हियर यस सर जल्दी से भाग के जाओ मोबाइल कंपनी में फोन करो देखो दया ने कहां से फोन किया था यस सर दया ने किसी की गर्दन मरोड़ के उसका फोन छीन लिया है यस सर ये करते रहो गेट क्रैकिंग गो यस सर अभिजीत तुम्हें एक दांत मिला था जिस पे सोना लगा हुआ था कहां गया वो दांत याद नहीं आ रहा है हैं याद है सर कहां है वो तारिका ले गई है सर तारिका क्यों सोना प्रेजेंट कर दिया सर दांत में खून लगा हुआ था खून अगर हम ये पता लगा लें कि खून किसका है तो पता चल जाएगा दया ने किसका दांत तोड़ा है और वो लोग कौन है जिन्होंने दया को पकड़ा हुआ है सर ये देखा टीको टीको डिटेक्शन किसको कहते हैं अभिजीत जैसा डिटेक्टिव कोई और है ही नहीं अभिजीत उस रात जब तुम्हें एसीपी की आवाज आ रही थी शूट अभिजीत शूट तब तुम्हें एसीपी का चेहरा दिखाई पड़ा था नहीं सर वो सिर्फ आवाज आ रही थी इसका मतलब है एसीपी वहीं पे छुपे हुए थे शायद तो वहां पे क्या कर रहे थे
बताओ। वो वहां पे शूट अभिजीत शूट शूट अभिजीत शूट अभिजीत शूट शूट अभिजीत शूट वो ठीक से याद नहीं आ रहा सर। याद ससा उठला ने कुतरा मुतला। जब जब डीसीपी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे याददाश्त के वांधे हो जाते हैं। किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाके बम पे दो तीन इंजेक्शन ठोकेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। गाजर मूली समझ के रखा है आपने सीआईडी ऑफिसर्स को। किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कुछ पता है आपको? डू यू अंडरस्टैंड पोस्ट एक्सीडेंट ट्रॉमा? हर रोज गोली खाओ, धूप में भागो, कभी बाइक पे चेस करो, कभी बस से कूद जाओ, मजाक है? सर दिमाग पे कितना असर पड़ता है आपको कुछ पता है? आपको कैसे पता होगा, आप तो ठंड में रहते हो, एसी में बैठे रहते हो, बाहर की गर्मी का आपको कुछ पता है सर? मिस्टर अभिजीत, दो अंडरकवर ऑफिसर्स लाश बन गए, तीसरा एसीपी की नाक के नीचे मारा गया, दया को गोली लगी हुई है, एसीपी गायब है, तीन अंडरकवर ऑफिसर बचे, बस उनको बचाना है, दैट्स ऑल। मगर सर आपको इस तरह से सीआईडी ऑफिसर्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी सर। दुष्यंत हेमराज अपने आंसुओं का थैला सीआईडी ब्यूरो के बाहर रख के आया करो, यहाँ पे इस तरह से फ्लोर गीला करना अलाउड नहीं है, समझे? यस सर। और एक बात, सांप का काटा बच सकता है मगर चित्रोले का काटा नो चांस। सर दया सर ने कहां से फोन किया था उस जगह का पता चल गया है। हाँ कहां है जगह? सर गुराड़े नगर से रोड नंबर 5 से। सर मैं जाऊं सर। ठीक है जाओ, खोले जरा इसका हाथ। तुम भी जाओ साथ में। यस सर। क्या हुआ साहब, गाड़ी कौन से चौराहे पे पंक्चर हो गई? साहब तीनों? हाँ तीनों एक साथ। सदाब के ऊपर किसका खून है पता चल गया, इसमें लिखा है मनु भाई। ये मनु भाई तो अभी भी जेल से छूटा है। यहां पता करते हैं। भाई साहब ये कमरा नंबर 17 किधर है? वहां। लेकिन आप लोगों को कौन चाहिए,
मनु का ही कमरा है ना वो? हाँ, आप उसके दोस्त हैं क्या? दोस्त नहीं, उसके बराती हैं। बराती कहाँ रहते हैं? हाँ वहाँ वहाँ। अरे कौन है? साहेब, मच्छी वाली है साहेब। अरे आज तो मंगलवार है, आज मच्छी नहीं खाता मैं। साहेब दरवाजा तो रुकड़ा, शायद आपका इरादा बदल जाए। सीआईडी वाले साहब, क्या हुआ साहब? कुछ लोचा हुआ क्या? दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं जी? पूछा गया कितनी बार ब्रश करते हो जी? दो बार। मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे सर? जरा अपने दांत चेक करवाओ जी। सर मैं पहले डिसाइड तो कर लो कि आप सीआईडी वाले हैं, मछली वाले हैं या फिर डेंटिस्ट हैं। तुम्हारे ससुराल से सासू माँ ने भेजा है। भुगत, भुगत। इसके तो सारे के सारे दांत असली हैं। सारे दांत असली हैं जी? हाँ, टचवुड। मगर आप सब लोग ये सब कुछ क्यों पूछ रहे सर? इस सोने के दांत को पहचानते हो जी? नहीं, किसका है? मन्नू का। तुम मनु नहीं हो जी? मैं तो मनु का किराएदार हूँ, रवि। तो फिर मनु कहाँ रहता है जी? मुझे कुछ मालूम नहीं, नहीं मालूम मुझे। इस चौल में कोई तो होगा जिसे पता हो कि मनु का घर कहाँ है। सर मनु का घर तो नहीं मालूम, मगर वो दारू पीने जाता है ये पास के देशी शराब के ठेके पे। अच्छा, इस मनु की दारू का नशा तो आज सीआईडी उतारेगी। एसीपी प्रद्युमन, दरवाजा खोलो मुकेश, जल्दी। मैं किसी भी एसीपी प्रद्युमन को नहीं जानता। मुकेश मेरी बात सुनो और जल्दी से दरवाजा खोलो, कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। खोलो। That's an order, मुकेश। बस सर, ऑर्डर मत दीजिए। पहले ही आपके ऑर्डर की वजह से मैं वहां खड़ा हूँ जहाँ जिंदगी और मौत के बीच धागे भर की दूरी रह गई है। देखो मुकेश, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे कुछ ऑफिसरों ने अपनी जान गंवाई है इस मिशन में, इसी वजह से मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और बाकी ऑफिसरों को मैं बचा सकूं। दरवाजा खोलो मुकेश। एसीपी साहब, आपने फंसा दिया हम सबको। ना हम घर के रहे ना घाट के, अब अंडरवर्ल्ड के सभी लोग हमें मारना चाहते हैं। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देखो मेरी बात मानो और दरवाजा खोलो प्लीज। विश्वास करो मुझ पर। मुकेश, क्या हो गया मुकेश? क्यों सर,
पहचाना नहीं? मैं ही आपका ब्राइट ऑफिसर मुकेश हूं, जिससे आपको कभी बहुत उम्मीदें हुआ करती थी। उम्मीदें आज भी है तुम लोगों से, आज भी वही उम्मीद है, और इसीलिए तुम लोगों को इस खतरनाक मिशन पर भेजा था मैंने। बस लगता है तुम लोगों का हौसला थोड़ा कमजोर पड़ गया है। देश पर मर मिटने की शपथ ली थी, वो शपथ थोड़ी डगमगाई है। कोई बात नहीं, फिर से वो हौसला, फिर से वो उम्मीद देखना चाहता हूं मैं, फिर से। समझे मुकेश? जब हमारे अपने लोग ही उस हौसले का गला घोटना चाहें, तो कोई क्या कर सकता है सर? क्या मतलब है तुम्हारा? आप सब जानते हैं सीपी साहब, हमारी मौत का जिम्मेदार कोई अंदर का ही है, कोई अपना। क्या कहा तुमने? कोई अंदर का, कोई अपना? है कौन वो? मैं जानना चाहता हूं, है कौन वो गद्दार? क्या आपको वाकई में नहीं पता? नहीं, मुझे वाकई पता नहीं कौन है वो, मगर मैं जानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं उस गद्दार का नाम जो हमारे देश को बेचना चाहता है। कौन है वो? जिस आदमी ने हमारे नामों की लिस्ट अंडरवर्ल्ड को दी है, वो कोई और नहीं, वो डीसीपी चित्रोल है। बोल देना अपने बॉस को, यही है वो लिस्ट, एसीपी प्रद्युमन के 6 अंडरकवर एजेंट। डीसीपी चित्रोले? जी हाँ सर, डीसीपी चित्रोले ने ही अंडरकवर कॉप्स की लिस्ट अंडरवर्ल्ड को सौंपी है। डीसीपी चित्रोले? अगर मुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। चलो जल्दी। चित्रोले साहब के घर में घुसना, मौत को दावत देना, अगर उन्हें पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा, जल्दी चाला खोल। इन लोगों के चक्कर में मैं और मेरे बीवी बच्चे फंस गए। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने ये धंधा शुरू किया। मर गया आज तो। क्या? हाँ सर, हो ही गया, बस देखता हूँ। जल्दी खुल गया सर, मैं जाऊँ? भाग अभी भाग। ये लो सर चाबी। चित्रोले,
अब दुनिया को पता चल जाएगा असली चित्रोले क्या है। दुनिया भर को लेक्चर देते घूमता है। अरे तू क्या है, अब पता चल जाएगा, समझे? क्या कर दिया आपने, अपने ही ऑफिसर्स को मरवाने के लिए पैसे लिए? तुम लोग घर में थे? तुम लोग? हाँ घर में ही थे। ये लोग मेरे साथ ही रहते हैं। बहुत लोग मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये क्या है? नहीं, ये कहां से मुझे मुझे फंसाने के लिए पैसे लाए? चल पकड़ो इसे। क्यों पूछे, जानते हो मैं कौन हूं? अरे एसीपी प्रद्युमन है भाई, बड़ा नाम है इनका। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दो। सर इसने सब सच बोल दिया। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने साहब को मना भी किया, मैं ताला नहीं खोलूंगा। क्या? मगर साहब माने ही नहीं। मानेंगे कैसे, दिल में आग जो लगी हुई है कि किसी भी तरह से चित्रोले की छुट्टी करनी है। प्रद्युमन एक बात ध्यान रखना, मेरे जैसा ऑनेस्ट ऑफिसर ऑनेस्ट ऑफिसर डीसीपी चित्रोले ऑनेस्ट ऑफिसर, ये बैग कौन लाया? बैग तो साबी लाया है साहब। क्या? ये माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, बैग साबी लाया साहब। झूठ! सब आप ही लाए साहब। सर झूठ बोल रहा है। ये क्या करते रहते हो प्रद्युमन? क्या करते रहते? नहीं सर। तुम जाओ। सर मुझे माफ कर दो, माफ कर देना सर। सर बैग आप ही लाए सर। तुम इससे और नीचे गिर नहीं सकते चित्रोले साहब। एसीपी की टिकट तो कट गई, अब बचे हैं दया और अभिजीत। मनु भाई, जब से हमने इस दया को पकड़ा है ना, हम लोगों ने चैन की एक सांस भी नहीं ली। हाँ भाई, हर वक्त टेंशन बनी रहती है कब जग जाए। भाई आप इसे टपका क्यों नहीं देते? जिंदा रखना है इसे, जिंदा। लेकिन भाई क्यों? अरे तुम दोनों का दिमाग छोटा है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। भाई आपके उस सोने के दांत से भी छोटा जिसे दया ने तोड़ दिया था। Thank you.
सीधी तरह से पैसे देते हो नहीं तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। नहीं दूंगा मैं पैसे, क्यों दूंगा पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे। और अगर आप तुमने मुझसे एक भी पैसा मांगा ना, एक भी, तो मैं भाई मैं टेबल के ऊपर खड़े होकर कूद के अपनी जान दे दूंगा, सुसाइड कर लूंगा मैं। अबे बड़ा आया टेबल से कूद कर जान देने वाला, जब जेब में पैसे नहीं है तो तीन बोतल शराब क्यों पी? क्योंकि मेरा दिल तोड़ा है बिजली ने, से कहती है मुझसे शादी करेगी। मैं सच दर्द कर उसके घर गया, उसकी सगाई हो रही थी यार। लगता है प्यार का मारा है। सही का भाई आपने। अरे काहे का प्यार का मारा, इसके जैसे पचासों प्यार के मारे यहाँ आते हैं रोज है? तो क्या मैं मुफ्त में उनको शराब पिलाता रहूं? चल निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों? इस दुनिया में मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है यार। तुझे बोला ना यहाँ से बाहर जाने के लिए, पैसा तेरे पास है ही नहीं है। ये डमरू क्या गर्दी मचा रखी है रे? अरे भाई इस आशिक ने तीन बोतल शराब पी ली है और जेब में एक रुपए तक नहीं है, क्या करें? कोई बात नहीं, उसके पैसे मैं दे दूंगा, उसको मेरे टेबल पे भेज। क्या हुआ? इस आशिक का बिल मन्नू भाई भर रहे हैं। मन्नू भाई भर रहे हैं मेरा बिल। वैसे ये मन्नू भाई कौन है जिन्हें मेरी इतनी फिगर है? मैं मन्नू भाई का चेहरा देखना चाहता हूँ। कहाँ बैठे हैं मन्नू भाई? ओ हीरो, इधर इधर। हाँ मैं हूँ मन्नू भाई, आ जाओ। मन्नू भाई इधर आ जाओ। मन्नू भाई, मन्नू भाई टेंशन नहीं, तुम्हारा बिल मैं दूंगा, ठीक है? अब दो दो पैक हो जाए।
हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये मनु भाई, ये आपके चेहरे का हुलिया बिगड़ गया है, किसने किया? ओ, अरे मत पूछ यार, क्या बताऊं मैं, बस ये समझ ले कि तू अपने प्यार का गम बांट रहा है रिजली, और मैं अपनी पिटाई का। लेकिन मनु भाई, ये दर्द, ये पिटाई तो सिर्फ सीआईडी वाले ही कर सकते हैं। लगता है मनु भाई ने सीआईडी वालों से पंगा ले लिया है ना। तुझे कैसे पता? अबे तू कहीं सीआईडी का खबरी वबरी तो नहीं है? खबरी नहीं, खुद सीआईडी ऑफिसर है, सीआईडी इंस्पेक्टर कावे। सीआईडी इंस्पेक्टर काविन, ओह, तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरे पास। इसे पहचानते हो? इसे कैसे भूल सकता हूं, इसे तोड़ के दया ने बड़ा दर्द दिया है मुझे। अच्छा तो ये चाल थी तुम लोगों की, सीआईडी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं यहाँ भाग के आया और तुम लोग यहाँ पहले से जमे हुए हो। कहाँ जा रहे हो मुनादर? बस करो, मेरे सोने के दांत वैसे ही दांत तोड़ चुका है, अब क्या बचे हुए दांत तुम लोग मिलके तोड़ दोगे? नहीं। देख मन्नू भाई, मुझे सच सच बता दे कि तूने दया सर को कहाँ छुपा के रखा है, वरना वाकई में मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, समझा? सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब? देखो हमने दया को चिकू वाड़ी वाले अड्डे पे छुपा के रखा था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया हमें नहीं पता, और वैसे भी दया ने हमारी बड़ी धुलाई की थी। चीकू वाड़ी में कैद करके रखा था? किसके कहने पे किया था ये सब? मुझे नहीं पता। देखो मुझे एक फोन आता था प्राइवेट नंबर से, और वो सिर्फ इतना चाहता था कि उसे किसी भी कीमत पर दया चाहिए, और वो भी जिंदा। क्या इसका मतलब? कोई ऐसा दुश्मन है जिसे दया सर जिंदा चाहिए? ये कहानी तो और दिलचस्प होती जा रही है। चल बता कहाँ है तेरा ये चीकू वाड़ी वाला अड्डा, बोल। इनकी हालत देखकर तो लगता है कि दया सर ने इनकी चटनी बना दी है, इसीलिए कहता हूँ भैया अच्छे काम किया करो, वरना यही नतीजा होगा, समझे? गलत आदमी से पंगा लिया तूने, देखा? एम्बुलेंस बुलाओ और सबको हॉस्पिटल पे, जिनके घाव आ रहे हैं मतलब दया आसपास ही होगा। हेलो, Thank you.
यहां से किसी को भागते हुए देखा है? लेकर आए हो तुम मुझे? कहां लेकर आए हो? पट्टी खोलो। कहां लेके जा रहे हो? कहां लेके जा रहे हो? पट्टी छोड़ा मुझे, खोलो ये पट्टी, खोलो। कहां लिख रहा हो ये? कहां लिख रहा हो? रुक जाओ, रुक जाओ। कहां लिख रहा हो मुझे? सर, सर सर, तुम ठीक हो? ये क्या हुआ? किसने किया ये? किसने किया ये? मैं ठीक हूं सर। दया, रखा है उन लोगों ने दया। मेरे दोस्त के शरीर से निकले हुए खून की एक एक बूंद की कीमत चुकानी होगी। खोली नहीं, फिर भी जाना तो पड़ेगा।
दया तुम ठीक हो? हैं? कौन लोग हैं इसके पीछे? अभिजीत सर? सर आप यहां पे? कौन है? खोल दरवाजा, खोल! देख क्या रहा, खोल इसे, खोल! सर, ये सब क्या हो रहा है सर? याद है अभिषेक, मैंने कहा था अंडरकवर कॉप्स के बारे में मेरे अलावा और एक आदमी जानता है। अभिषेक और एक आदमी है, और एक आदमी जो ये बात जानता है मेरे अलावा। कौन? कौन है वो? वो है डीसीपी चित्रोले अभिजीत। वही सब कर रहा है ये। डीसीपी चित्रोले? उसने न जाने कितने ऑफिसर्स को बलि चढ़ा दिया है। एक एक का बदला लेना चाहिए अभिजीत। चित्रोले। कोई बात नहीं सर, हम सब साथ में हैं। उसका सारा हिसाब चुकता कर देंगे सर। हाँ दया। तुम लोग सर आप इस तरह छिप छिप के आ रहे? अरे छिप छिप के आने की जरूरत तो हमें है, पूरे अंडरवर्ल्ड को पता चल गया कि हम लोग कौन है। सर मैं 7 साल से घर नहीं गया, मेरी बीवी मेरा चेहरा तक नहीं पहचानती। मैंने अपना नाम बदल दिया, एक सीआईडी ऑफिसर से एक गुंडा बन गया और 7 साल से गुंडा बन के रह रहा हूँ और गुंडे बदमाशों की खबर एसीपी साहब को देता आ रहा हूँ। सर ये तो अच्छी बात है, इसमें रो क्यों रहे हो? तो क्या करे, आपने ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा? अरे मैं तो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ, दिन रात। सर आपने पैसों के लिए हम लोगों का नाम अंडरवर्ल्ड में बांट दिया, सबको पता चल गया कि हम लोग गुंडे नहीं, सीआईडी ऑफिसर्स हैं, सीआईडी ऑफिसर्स। सर लोग हमें जान से मारने के लिए हर जगह ढूंढ रहे हैं। ये देखिए सर, ये देखिए, मेरे ऊपर गोली चल चुकी है, ये देखिए। सर अगर मैं मर गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। अरे यार तुम एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों का नाम सिर्फ प्रद्युमन को मालूम था, सिर्फ उसे ही मालूम था, उसने अभिजीत और दया तक को नहीं बताया, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग कौन हो? हैं? मेरे पास कैसे आएगा तुम्हारा नाम? सर क्या आप सच कह रहे हैं? ऑफ कोर्स, प्रद्युमन ने फंसाया है तुम्हें, प्रद्युमन ने। मैं तो तुम्हें बचाने आया, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे छुपा दूंगा जहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रद्युमन ने तुम्हें धोखा दिया, मैंने प्रद्युमन को सीधा कर दिया। हेलो, हाँ सब ठीक हो गया है, सब एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत सबको बंद कर दिया है, सबको। हाँ हाँ जेल में, यस जेल में बंद, तीनों के तीनों गिरफ्तार। मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।